नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के लिए। पूरी अपडेट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 8/11 यानी 8 नवंबर 2019 को जारी हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। यहाँ पर आप देखिए, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 नवंबर 2019 से और लास्ट डेट है 22 नवंबर 2019। ठीक है, करेक्शन करने की यानी फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसको एडिट करने के लिए आप 24 नवंबर 2019 तक का समय दिया गया है। जो इसका एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो 13 दिसंबर 2019 फ्राइडे को होगा, 2 बजे से 4 बजे शाम मीटिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर को इसका एग्जाम भी होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। देखिए, ये जो वेबसाइट है इनकी www.mponline.gov.in, इस वेबसाइट पर इस भर्ती से संबंधित आपको अधिक जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सीटें हैं सबसे पहले वो देखते हैं। जबलपुर बेंच के लिए 18 सीट है, इंदौर बेंच के लिए 10 सीट है और ग्वालियर बेंच के लिए 2 सीट। कुल मिलाकर 30 सीटों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के 30 पदों के लिए यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन है वो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में। ठीक है, लॉ में आपको बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है, तो अगर आप हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको जो आपकी आयु सीमा है उसमें छूट भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको समय सीमा दी है कि आपको जॉब कितने बजे से कितने बजे तक की जाए करनी रहेगी। ये ड्यूटी का पूरा समय यहाँ पर आपको दिया गया है, लंच कितना रहेगा, कितना क्या रहेगा, सभी चीज़ें, तो ये सब डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटी का समय सीमा क्या रहेगी वो भी यहाँ पर बताई गई है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो भी यहाँ पर आपको बताए गए। देखिए, जो इसमें आवेदन करने के लिए आपको कुछ फीस भी देनी पड़ेगी, जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 800 रुपये की फीस देनी रहेगी। ठीक है, जिसमें से जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 600 रुपये की फीस यहाँ पर देनी रहेगी। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से यहाँ पर आप जमा कर पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसको आपको करेक्ट करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे www.mponline.gov.in से आवेदन करेंगे और पेमेंट भी आप इसी वेबसाइट से आप करेंगे। ठीक है, या SBI का जो कियोस्क सेंटर होता है वहाँ से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम जैसा कि 13 सितंबर को है तो उससे 7 दिन पहले आपको इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in पर आप जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर आसानी से। ठीक है, इनके जो प्रैक्टिस सेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये इनका जो पूरा सिलेबस है वो इस PDF फाइल में दिया है, ये देखिए पूरा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या आएगा, सभी चीज़ें यहाँ पर दिया है। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ से एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इस भर्ती की तैयारी करने में बहुत ही आसानी और सुविधा होगी। तो फटाफट आप इसके लिए आवेदन करें, लिंक आपको मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।